कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए। जस्टिस तप्रोबत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है। कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक उसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकंस्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो।